बाबा जो रजीता पाठ करते हैं रोज रजीता पाठ करने जाते हैं। हाँ वो चार हफ्ते इधर आने के जरूरी है संगठन में। संगठन भी अटेंड करना जरूरी है। जो गीता पाठशाला रोज अटेंड करते हैं नजदीक के भी नहीं है लोकल नहीं है लोकल है तो एक दो बार संगठन क्लास में भी आना चाहिए। नहीं महीने में एक बार जरूर आएंगे। महीने में एक बार आए तो भी चलेगा। बिल्कुल नहीं आएंगे तो साबित होता है कि ब्राह्मण परिवार से का कोई खास प्यार नहीं है। एक बार आए तो चलता है। चलो एक बार ही आओ। नहीं ज्यादा लोगों का समस्या यही है जिन्हें बहुत प्यार होगा वो बहुत बार आएंगे संगठन को देखने के लिए। संगठन बढ़ेगा तो अंदर से खुशी होगी। हमारा ईश्वरीय परिवार बढ़ रहा है क्योंकि अब आसुरी परिवार से तो नाता टूटना है टूट रहा है। आसुरी परिवार तो खलास ही हो जाएगा तो उसे मोह ममता क्या करनी है मिटानी है। और जो दूर दराज की गीता पाठशालाएं हैं वहां गीता पाठशाला में रोज जाने वाले अगर नहीं भी आते हैं तो भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इतना तो साबित होता ही है कि संगठन से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम एक बार तो अटेंड करना चाहिए। बहुत दूर रहते हैं दो तीन महीने में एक बार तो आ सकते हैं। और है जेब में पैसे हैं तो बहुत दूर कुछ भी नहीं है। जिनके दिल में भगवान के परिवार के प्रति प्यार है उनके लिए दूर कुछ भी नहीं है। बंगलौर मिनी मधुबन में ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जिन आत्माओं को बाबा का डायरेक्ट क्लास में आना है उन सबको हर महीने का पहला रविवार के महासंगठन में आना ही चाहिए। अच्छी बात तो है वहाँ बड़ा संगठन हो जाता है पूरा परिवार देखने को मिलेगा। भगवान का प्यार किससे है बाहर की दुनिया से अपने परिवार के बच्चों से पहले प्यार है या 500 करोड़ से पहले प्यार है। तो हमारा प्यार किससे होना चाहिए भगवान के बच्चों से हमारा प्यार नहीं होना चाहिए। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध होने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उनको बाबा के डायरेक्ट क्लास में बुलाया नहीं जाएगा। चलो कभी कोई जरूरी काम लग जाता है घर में कोई बीमार हो जाता है
तो पहले संगठन में न सही, दूसरे तीसरे चौथे में तो आ सकते हैं। महीने में एक बार आना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, है? और बाबा जो लोग बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, वे सभी ये नियम कैसे पालन कर सकते हैं? गरीबी इसी बात के लिए आई है, तो आगे चल करके और जन्मों में गरीबी बढ़ेगी घटेगी, है? जमीन जायदाद बेच के भी आ जाए, है? जमीन जायदाद नहीं है, बातें गलचने के लिए तो दुनिया भर की है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसके पास कुछ न हो जिंदगी में, कुछ कमाया ही नहीं है, निठल्ला होके बैठा रहा है? तो फिर है अच्छा, कुछ नहीं है तो बाबा के घर में आके बैठ जाओ, किस्सा खत्म। परिवार है तो परिवार पैसे नहीं दे सकता है, तो बाबा का परिवार अच्छा या वो परिवार अच्छा है? जो परिवार दो पैसे किराए के लिए नहीं दे सकता वो अच्छा या बाबा का परिवार अच्छा? तो आके बैठ जाओ। और गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, और एक और रह गया, बांधेलियां हैं। बांधेलियां उनको तो फिर हर दिन बांध के ही रखा जाएगा ना, बाबा आएंगे तो उनको छूटेलियां बनाया जाता है। अगर घर वालों को मालूम पड़ जाए, लौकिक परिवार वालों को, कि इनका बाबा आया हुआ है, तो और ही बांध के रखेंगे या छूटेली बनाएंगे, और ही ज्यादा बांध देंगे। तो बाबा आने के टाइम पर छूटेली हो जाती है। और यज्ञ छोड़ कर गया या यज्ञ के अंदर झगड़ा फसाद पैदा हो गया, उस झगड़े में आत्मा की आहुति देकर चला गया, जीवात्मा की। बाबा ने तो बोला है लाश भी गुम कर दिया। मैंने उनको हत्या दिया, लाश कब गुम की जाती है? जब गड़बड़ अंदर, हाँ, जरूरी है, है? ये कोई जरूरी थोड़े ही है,
ब्रह्मा बाबा जब आते हैं तो गुड नाइट करते हैं, या गुड मॉर्निंग करते हैं? गुड नाइट करते हैं। वो ज्ञान चंद्रमा है या ज्ञान सूर्य है? तो ज्ञान चंद्रमा है। चंद्रमा का टाइम अपना और सूर्य का टाइम अपना। और बाबा भट्टी ने बोला ब्रह्मा बाबा ने गवर्नमेंट फ्लोर में अग्रीमेंट दिया था कि 76 में विनाश नहीं होने तो सारी ब्रह्म कुमारी का प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देता है। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को देता नहीं, गवर्नमेंट ले लेवे, गवर्नमेंट खुद ले लेवे। हाँ जी, वो एग्रीमेंट जब खोजा गया 76 के बाद तो वो गायब करवा दिया गया। वो राष्ट्रपति भवन के स्टाफ में नहीं मिला, भले नहीं मिला लेकिन मुरली में तो बोल दिया ना। तो बाबा ने जो बात मुरली में बोल दी है वो बात लागू होगी या नहीं होगी? है लागू होगी। और वो लागू बात भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट लागू करेगी या शिष्टाचारी गवर्नमेंट लागू करेगी? भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारियों को क्या मात देंगे? ये तो शिष्टाचारी गवर्नमेंट ही बैंड करा देगी। मुरली में बोल भी दिया है, तुम बच्चे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखो, आगे चल करके सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा क्या? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द ही उड़ जाएगा। दुनिया में गीता पाठशालाओं का नाम बाला होगा, युगलों का नाम बाला होगा। इसलिए यादगार में गीता मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ही गायब हो जाएगा। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये गिरजाघर सब टूटने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा, एक ही बड़े से बड़ा तीर्थ रह जाएगा। फिर दुनिया में कोई को धक्के खाने की दरकार नहीं रहेगी। सबको एक ही ठिकाना मिल जाएगा। अभी तो सारे संसार में सर्वव्यापी का ज्ञान फैला हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां भी जो कहती हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो भी नहीं बताती कि एक व्यापी कहाँ है। तो जरूर अंदर से एक और बाहर से दूसरा है। जैसे रावण के लिए गायन है, रावण जानता था कि ये भगवान है राम, फिर भी मानता था कि नहीं मानता था? नहीं मानता था। गवर्नमेंट को देना
पड़ता है, इसलिए दादी ने वर्ल्ड रिलीजियस ट्रस्ट बनकर उसने ब्रह्मा बाबा का नाम जोड़कर प्रॉपर्टी बताने के लिए अप्लाई कर दिया था। हाँ जी, उसमें गुल्ला, उसमें कुमार का दादी मुखिया नहीं थी, प्लानिंग पुरुषों के हाथ की थी। बाबा यमुना आया और गया, जगदम्बा आया और गया, गंगा जी आया और गया, हमारा बाप अशांत और संतनों बन गया, तो हम बच्चों को हालत क्या है? ये तुम्हें कैसे मालूम कि बाप अशांत है? तुम्हारे पास क्या प्रूफ आया है? बाबा ने वो शांतनु कब है, आदि में है या अंत में है? आदमी को शांति तब नहीं होती है जब उसे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान मिलने के बाद शांति होती है या चित्त को अशांति होती है? तो प्रजापिता को आदि में शांति थी या नहीं थी? आदि में ज्ञान था या नहीं था? नहीं था, इसलिए शांतनु हो सकता है। महाभारत की कथा में भी शांतनु आदि का व्यक्तित्व है या मध्य और अंत का व्यक्तित्व है? है? तो आपने कैसे कह दिया? बिना सोचे विचारे कह दिया क्या है? चुप हो गए, बोलते नहीं है? बिना विचारे कह दिया। बाबा हम साकार में निराकार को याद करते थे, राम बाप कैसे याद करते? अपनी आत्मा को याद करना सहज होता है या कठिन होता है? है? और ही सहज होता है, फिर क्यों क्या कैसे का सवाल ही नहीं उठेगा? क्यों क्या कैसे का सवाल उनको उठेगा जिनको दूरी अनुभव होती होगी। और बाबा का भी बड़ा ड्रामा है, क्योंकि बाबा ने बोलना है हम ड्रामा में बंधित हो। बाबा का बड़ा ड्रामा नहीं है, बाबा बड़ा ड्रामा बनाता है क्या? ड्रामा बना बनाया है या बाबा बनाता है? ड्रामा तो बना बनाया है। अगर कहें भी कि ड्रामाबाजी कोई करता है तो मुरली में बोला है ये व्यास बड़ा ड्रामाबाज है। इसने बहुत बड़ा ड्रामा बना दिया। बाबा ड्रामाबाज नहीं है, बाबा तो कहते हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा जगदम्बा सच्ची गीता खंड में अभी भी है, एक दो तीन में। क्या मतलब? खुलासा करके बोलो क्या कहना चाहते। नास्तिक होता है लेकिन अपना परिचय होता है,
वो आत्मिक स्थिति में टिके हुए रहते हैं, और यही आत्मिक स्थिति में 24 घंटे टिकाने के लिए बाप आया हुआ है। इसलिए उन्होंने प्रारब्ध पाई हुई है, हम अभी प्रारब्ध पाए रहे हैं। वो बाप को नहीं जानते कि बेहद का बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। हम देव आत्माओं का बाप कौन है, न जानने के कारण उनको नास्तिक कह सकते हैं। बाबा का वरदान हम बच्चों को है कि सारे परिवार ज्ञान में आता है, तो पति बच्चे या भाई बहन माता कौन कौन आते हैं? जो भी पूर्व के संबंधी है सभी आते हैं। बाबा उगादि फेस्टिवल दिन में चंद्रमा को देखने को बोलते हैं और गणेश चौथी को चंद्रमा को नहीं देखने को बोलता है, बेहद का अर्थ क्या है? चौथ का चंद्रमा चौथ खा लेता है, चौथ खाना बुरी बात है। और युगादि में चंद्रमा देखा जाता है, उसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि पहले माँ को पहचानना जरूरी है। कोई भी बच्चा बच्चा तब बनता है जब बाप के घर में जाकर पैदा हो। बाप के घर में जाकर के पैदा नहीं हुआ, 9 महीने पेट में भट्टी में पला नहीं, तो बच्चा कैसे हो जाएगा? वहाँ 9 दिन है हद की दुनिया में, वो बेहद की दुनिया में, और हद की दुनिया में 9 माह है। 1 दिन आना 1 दिन जाना, 7 दिन की बच्ची। ज्ञान की योग और अग्नि में तपना है, बाहर की दुनिया भूल जानी है। जैसे गर्भ में बच्चा बाहर की दुनिया से कट हो जाता है, बाबा ज्ञान गुप्त नहीं है, क्योंकि बाबा ने इंटरनेट में जनरल पब्लिक टीवी के न्यूज टीवी के सब को ज्ञान और दृष्टि देता है। देता तो है, लेकिन देने वाला खुद गुप्त है या प्रत्यक्ष है? तो जो भी इंटरनेट में लेते हैं, VCD में लेते हैं, DVD में लेते हैं, लिटरेचर से लेते हैं, सुन करके लेते हैं, वो अधूरा ज्ञान ले रहे हैं या पक्का निश्चयात्मक बुद्धि बन जाते हैं? बच्चे बनते हैं कि आज बनते हैं कल मर जाते हैं? माया घड़ी घड़ी मारती रहती है। बाप कहते हैं 2 महीने आना बंद कर देते हैं, कनेक्शन रखना ही बंद कर देते हैं, तो बाप समझते हैं बच्चा मर गया। तो बच्चों को भी क्या समझना चाहिए है? 2 महीने से कनेक्शन कोई नहीं रखते हैं, बाप समझते हैं बच्चा मर गया, तो बच्चों को भी क्या समझना है? मर गया या जिंदा है? मर गया या भूत बन के आता रहता है? ब्रह्मा 1 सेकंड में कब बनता है? जब बुद्धि में बात बैठ जाती है, गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, साकार में गीता का भगवान
कि वह शंकर भोलेनाथ ही साकार में था यज्ञ के आदि में भी और मध्य में भी और अंत में भी, मैं ही भूल गया था, इसलिए ब्रह्मास्मि हो गया, शिवो अहम हो गया। परमानेंट एक में ही प्रवेश करके रहेगा, इधर उधर भटकना बंद। और गुरु की संतान को कहा जाता है कौरव, जैसे ब्रह्मा की संतान को कहा जाता है ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है। गुरु अर्थात करता हूँ, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां क्या समझते हैं कि स्वर्ग स्थापन कौन करता है? प्रैक्टिकल में भगवान करता है या हम करते हैं? ब्रह्मा कुमारी ऐसा समझती हैं? है? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं कि प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं या भगवान करता है? हम करते हैं तो कुरु की औलाद हो गए, हम करने वाले हैं। ये अहंकार है, उनको कुरु की औलाद कहा जाता है कौरव। पांडव पंडा के बच्चे हैं, पंडया के अर्थात रास्ता बताने वाला। करने वाले निमित्त हम जरूर हैं, लेकिन हमको रास्ता बताने वाला कौन है? पंडा है, वो हमारा बाप है। डेढ़ सौ वर्ष एवरेज एज बताई गई है, इसका मतलब है शुरुआत में ज्यादा भी हो सकता है। और सत्यु के अंत में 125 वर्ष भी हो सकता है। और बाबा बुद्धा दादी के संत है, अवश्य बाप दादा की दृष्टि देना है ना, उसको देना देना पड़ता नहीं देना पड़ता? लेना पड़ता नहीं, लेकिन जिनकी बुद्धि में ही बैठा हुआ है, भगवान आया हुआ है, भगवान आ रहा है, वो तो लेंगे ही ना। गुरु की कृपा दृष्टि नहीं लेंगे? अरे लौकिक में भी भक्ति मार्ग में गुरु की कृपा दृष्टि लेना अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? अच्छा ही समझते हैं। और बाबा कुटी में बोला था कि सर को नहीं काटने तो किसु बड़ी बन कर परिवर्तन होता है, है? सर को नहीं काटने तो उसका विश्व बड़ी बन कर परिवर्तन होता है, और उस सर को हैंड में उस मणि को रखा है और मरता है। आप अपनी भाषा में बोलिए, कोई अनुवाद कर दे, आप बोल नहीं पा रहे। भैया भैया बाबा ने प्रकाश नाम रख दिया। क्या ये सच है?
अरे एक बात करो ना, सांप की बात कर रहे थे वो पूरी हो गई। उदाहरण देता है वो क्या प्रकाशमणि रवि को सांप के साथ कंपेयर किया गया। अकेली प्रकाशमणि ही सांप है और दूसरे सांप सर्पणी नहीं है। सांप को पैदा करने वाला कौन होता है? है? अरे सांप को पैदा करने वाला सांप ही होगा या दूसरा कोई होगा? तो उनको पैदा किसने किया? वो रचना है या रचयिता है? जिसको सर्पिणी कहा वो रचना है या रचयिता है? तो रचयिता में ज्यादा ताकत होती है, रचयिता बड़ा सांप हुआ या रचना बड़ा सांप हुआ? अरे कुछ हाँ ना तो बोलो, के प्रश्न के ऊपर प्रश्न ही करते जाओगे। प्रश्न बच्चा बुद्धि है या बालिक बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। 500 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती बच्चा बुद्धि है या कम बच्चा बुद्धि है? सबसे जास्ती बच्चा बुद्धि है। और बच्चा महात्मा होता है या दुरात्मा पापात्मा होता है? महात्मा होता है। प्रश्न आया है, गीता का भगवान मैं हूँ ऐसे कृष्ण वाली आत्मा बहुत समय तक समझती है, इसी वजह से सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती रही। इस भूल के लिए कृष्ण को दंड नहीं मिलता है क्या? मिलता है या नहीं मिलता है? सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, भटकना पड़ रहा है, ये दंड नहीं है क्या? जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करनी चाहिए जीवन में, वो जीवन में डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर सके। भगवान से प्राप्ति करना अच्छा या और मनुष्य आत्माओं से प्राप्ति करना अच्छा? तो घाटा नहीं हुआ? कृष्ण की आत्मा को दंड नहीं मिला क्या? और क्या बड़ा दंड देना चाहिए? ज्यादा बड़ा दंड चाहते हैं क्या? वो तो सीधी साधी आत्मा है, भोली भाली। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि राजयोग क्या चीज है, इस योग में क्या राज भरा हुआ है। बस बोल दिया तो विकार में नहीं जाना तो नहीं जाना। सीधा साधा अर्थ पकड़ लिया, विकार में नहीं जाना। तो ब्रह्मा के बच्चे दाढ़ी मूछ वाले बूढ़े की गोद में आते रहे, उनको खूब खिलाते रहे, मेरा बच्चा मेरा बच्ची मेरी बच्ची, क्या देवता बन गए? उससे देवता तो नहीं बन गए। मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? हैं? विकारी होता है। और विकारी इसलिए कहा जाता है कि स्त्री चोले के संसर्ग संपर्क में आने से डिस्चार्ज हो जाता है।
मनसा भ्रष्ट हो जाती है तो कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं। तो अंदर अंदर डिस्चार्ज होता रहे, ऊपर से लोग कहें ये तो निर्विकारी है, तो निर्विकारी कहेंगे या विकारी कहेंगे, क्या कहेंगे? विकारी ही कहेंगे। राजयोग का अर्थ है सन्यासियों की तरह सन्यास करना नहीं, छोड़ना नहीं है। न संस्कृत की गीता में बताया गया है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है, नहीं, कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, तो उनकी भूख प्यास शांत करनी पड़ेगी। परंतु उनको बस में करना है, ऐसा बस में करना है जो मन दूसरी ओर लगा रहे, जो इंद्रियों में मुख्य है। तो स्वतः ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी। ये राज की बात बच्चा बुद्धि नहीं समझ सकते। इसलिए यज्ञ के आदि में भी हो अल्लाह मचा दिया। विकारी हैं, विकारी हैं, विकारी हैं, और अभी भी वो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हो हल्ला मचा रहे हैं, ये विकारी हैं, विकारी हैं, विकारी हैं। और ये 200 करोड़ तेरा एक ही जन्म लेता है ना, कैसे बोल सकता है इतने? कैसे बोल सकता है ये बहुत पापी आत्मा है, एक ही जन्म मिलता है ना, कैसे एक ही जन्म उनको ये 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ ये मनुष्य है 550 करोड़ बोलता है, बाकी सिर्फ एक ही जन्म लेता है ना ये ड्रामा में 500 5000। और पूछने का मतलब है कि जो सिर्फ एक जन्म लेते हैं वो पापात्मा कैसे कहे? क्योंकि वो भगवान को उतना नहीं पहचान पाते हैं, जितना ज्यादा जन्म वाले भगवान की महत्ता को समझते हैं। 84 जन्म लेने वाले जो भगवान की महत्ता को समझेंगे, भगवान को पहचानेंगे, वो कम जन्म लेने वाले भगवान से उतने ही दूर रहते हैं। हाँ, जैसे कीड़े मकोड़े पहले पवित्र बनेंगे या मनुष्यात्मा पहले पवित्र बनेंगी? क्यों? क्योंकि वो बुद्धि में तीक्ष्ण हैं, भगवान के जास्ती नजदीक रही हैं प्रैक्टिकल जीवन में। और कीड़े मकोड़े दूर की बात है, मनुष्य सुधरेंगे तो मनुष्यों के वाइब्रेशन से फिर दूसरे जानवरों की सदगति होगी, कीड़े मकोड़ों की भी सदगति होगी, पेड़ पौधों की भी सदगति होगी, कण कण की सदगति होगी, कण कण सात्विक बन जाएगा। टाइम हो गया।
के टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं, दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं। कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार है। कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि राजाई तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाए राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई, लेकिन अपने अधिकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। पांच विकारों की होली जल गई, माना हमारा नया जन्म हो गया। है ये आपकी भाषा है, हमें समझाओ क्या गुड़ी पाड़वा का क्या मतलब है? ये क्या मालूम, आप अपनी मराठी में बताओ ना। माना चैत का वो पाड़वा कहा जाता है ना, प्रतिपदा, चैत का शुद्ध प्रतिपदा होता है ना, नया साल शुरू होता है। होली के बाद 15 दिन के बाद चैत मास शुरू होता है, वैसे तो होली से ही शुरू हो जाता है, लेकिन शुद्ध पक्ष का जो प्रतिपदा होता है अमावस के बाद, पहले कृष्ण पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष के बाद में जो शुद्ध पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष है, उसके बाद जो प्रतिपदा आती है, मध्य पक्ष के बाद जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, तो उसी टाइम ये महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा एक त्योहार मनाया जाता है, मना नया ईयर मनाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर उसको नया ईयर मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। जैसे दिवाली पे नया ईयर मनाते हैं ना, जैसे फर्स्ट जनवरी से नया ईयर मनाते हैं, उसी तरीके से शुद्ध प्रतिपदा को चैत्र में नया ईयर मनाते हैं महाराष्ट्र में, उसको गुड़ी पड़वा बोला जाता है। वो झंडा का एक निशानी है, झंडा का ही तरह का। हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया साल मनाते हैं, ये संस्कृति महाराष्ट्र संस्कृति तो नहीं है कि हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया वर्ष मनाते हैं। चैत्र चैत्र पहला महीना है, चैत्र रामनवमी, वही रामनवमी से पहले युग की आदि तब होती है जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त जब स्थिर हो गया तो हम स्थिर चित्त की औलाद हो गए चैत्र, ये हमारी शुरुआत हो गई, नए युग की शुरुआत हो गई। रावण के 10 चीज बताए, 20 भैया बताए, ये सही है कि नहीं? चित्त बनाए जाते हैं वो चैत्र की यादगार बताते हैं, ये झूठी बातें हैं। चित्र जो बनाए जाते हैं वो चैत्र को बताने वाले होते हैं, ये ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो 10 चीज का मतलब ये है कि 10 प्रकार की आत्माएं जो अपने अपने तरीके से सोचने वाली हैं, भगवान के तरीके से सोचने वाली नहीं है, वो अपने चलाती है और वो 100% अपने तरीके से पावरफुल है, वो किसी की बात मानने वाली नहीं। भगवान भी उतर आए तो भी वो बात को मानने वाली नहीं है। ऐसी 10 आत्माएं जब संसार में उतर आती हैं और सारे संसार में उन 10ों का राज्य चलता है तो उसे कहा जाता है प्रजातंत्र राज्य, वो रावण राज्य। ये 10 सिरों का राज्य है, वो 10 सिर झाड़ में गिनाए भी गए हैं, 10 जड़ों के रूप में भी हैं और 10 विशेष टहनियों के रूप में भी हैं।
और उनकी 10 विशेष बीज रूप आत्माएं भी हैं। हाँ भगवान उसको जो चित्र बनाया था तो ऊपर है ज्योतिबिंदु, बीच में गीता, भगवत गीता और अंत में कृष्ण को दिखाया था। तो जो तुलना है साकार और निराकार की तुलना हो नहीं सकती, तो उस समय ब्रह्मा बाबा द्वारा उस चित्र पारित करने का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मा बाबा के द्वारा उस चित्र पारित करने का तात्पर्य क्या था? गीता का भगवान निराकार क्यों है? ब्रह्मा बाबा की जितनी बुद्धि होगी बच्चा बुद्धि उतना ही करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे? उनकी बुद्धि में इतना ही था कि निराकार माने बिंदु, साकार माने शरीरधारी, इतनी बात उनकी बुद्धि में आई। साकार है श्री कृष्ण और निराकार है शिव ज्योति बिंदु। इसके आगे उनकी बुद्धि में बात नहीं आई, इसलिए वो चित्र पास कर दिया। अरे जो बाप को पहचानेगा वो बाप का परिचय देगा, पहचानेगा नहीं तो बाप का परिचय कैसे देगा? और पेपर में एक लेख आया था कि देवी देवताओं की मूर्ति जो होती है खंडित होती तो पूजी नहीं जाती है, लेकिन शिवलिंग की मूर्ति खंडित होते हुए पूजी जाती है। आप शिवलिंग यादगार किसकी है? किसकी यादगार है? शिव की यादगार सेवा ज्योति बिंदु का नाम है। शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसकी यादगार है लिंग, और जो लिंग है वो शंकर की यादगार हो गई साकार रूप की। वो शंकर जो स्वरूप है वो ऐसा साइकिल पर चढ़ने वाला है जो बार बार गिरते हुए भी कभी अपनी हार नहीं मानता और ज्ञान में से कभी टूटता भी नहीं। इसलिए पूजनी है या नहीं है? पूजनी है, मतलब शिव की वजह से पूजनी है। निश्चय बुद्धि भी कहते अनिश्चय बुद्धि पूजा की पूजा करते हैं माना जल चढ़ाते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं। वास्तव में सूर्य तो शिव परमात्मा बाप है, वो शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसने भी प्रवेश किया है उसकी पूजा होती है साकार की। निराकार ज्योति बिंदु की पूजा नहीं है। पूजा उसकी की जाती है जो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करता है, चाहे वो देवियां हो चाहे देवताएं हो। इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है। अंतर क्या है? दोनों की पूजा में क्या अंतर है? हैं? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? हाँ, शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है,
और देवी देवताओं के सब अंगों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। इसका मतलब जो 33 करोड़ और देवी देवताएं हैं, उन्होंने काम इंद्रिय पर पूरी जीत नहीं पाई है, परसेंटेज में हार गए। और जो शिव का लिंग है, जो पूजा जाता है, वो साकार स्वरूप ने 100% काम इंद्रिय के ऊपर जीत पाई है। ये अंतर हो जाता है। लिंग है बड़ा रूप, बड़ा काम किया है, और शालिग्राम छोटा रूप है। जो शिवलिंग है उसको बंधन नहीं दिखाते हैं, और शालिग्राम को बंधन दिखाते हैं। माना शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कोई के बंधन को नहीं मानता, और शालिग्राम जो है वो कोई न कोई बंधन स्वीकार करते हैं। तो राम और कृष्ण की जो आत्माएं हैं वो ही शालिग्राम के रूप में पूजी जाती है। तो ये सब जन्मों में वो आत्माएं भी बंधन में आ जाती है। जो शालिग्राम है वो मोस्टली काले ही दिखाए जाते हैं, अर्थात जब कालापन आता है तब बंधन आता है। शिवलिंग तो हीरे का भी दिखाते हैं, स्वर्ण लिंग भी दिखाते हैं, रजत लिंग चांदी का भी दिखाते हैं, ताम्र लिंग भी बनाते हैं, और लौह लिंग भी पत्थर का भी बनाते हैं। जयंती कहते हैं ना, जयंती को गीता देवी, तो अभी विद्या वालों ने माउंट आबू से लेटर भेजा है कि बच्ची गीता पाठशाला जो लिखते थे उसमें से अभी गीता नाम हटा देगा, अब यही लिखो कि ब्रह्म कुमारी पाठशाला। अच्छा, और दूसरे पॉइंट ये निकल रहा है कि टू जयंती डायरेक्ट लिखने का नहीं, टू जयंती डायरेक्ट लिखने का नहीं, अभी ये लिखने का महाशिवरात्रि के पर्व पर अवसर पर ये लिखने का। हाँ, माने उनकी जयंती नहीं होने वाली है, उनकी जय जयकार अब, उनके भगवान की जय जयकार अब नहीं होने वाली है, इसलिए वो सब भी हटा दो। अब अज्ञान की अंधकार की रात्रि आने वाली है। सुबेर भाई का लेटर आया हुआ है, तो गीता पाठशाला में लिखा है कि ब्रह्म कुमारी पाठशाला, तो पूछा कि गीता जयंती मतलब शिव जयंती तो गीता जयंती, तो बोले उन्होंने लेटर दिखाया कि इसलिए मुरली में ऐसे पॉइंट आते हैं, इसलिए ये नाम हटाने के लिए बोला। मुरली में कैसे पॉइंट आते मना गीता जयंती, तो गीता जयंती खराब क्या है, गीता का जन्म होगा, दोनों का जन्म साथ साथ, माँ और बाप दोनों की साथ साथ प्रत्यक्षता होगी, या आगे प्रत्यक्षता आगे पीछे प्रत्यक्षता होगी। गीता माता भी चाहिए तो गीता पति भगवान भी चाहिए। गीता के बारे में जानते हाँ जी, दोनों शब्द कट कर दे, गीता जयंती और शिव जयंती दोनों के आगे से जयंती शब्द ही कट कर दिया। जयंती माने अंत में जय जयकार हो जाए, अंधकार में रहने से जय जयकार होगी या सोजरे में आने से जय जयकार होगी। तो महाशिवरात्रि बनाते हैं तो ठीक ही तो बनाते हैं।
दुनिया वाली भी क्या मनाते हैं, वो भी महाशिवरात्रि मनाते हैं। उनका ये कहना है लोटी वाले पुतिन ने शिव जयंती मना, शिवाजी जयंती है ना है? हम लोग तो शिवाजी जयंती मनाते हैं, शिव जयंती है, तो आप लोग किसकी जयंती मनाते हैं? तो हम लोग एक जगह पे ऐसा बताया था कि हम शिव शंकर को मान लेते हैं, तो बीके वाले किसको मानते पूछो, तो अभी बीके वाले कहते हैं कि इसलिए हम शिव जयंती नहीं लिखते हैं, हम महाशिवरात्रि लिखते हैं। मैंने अपनी बात को जो बार बार बदलता है उसे दोगला कहा जाता है, जो एक बात पर अटल रहता है वही सच्चा है, सच्चे की औलाद है। हमको एक बात पर अटल रहना है, ब्रह्मा के महावाक्यों को ही हम मानते हैं, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्म वाक्य ही हमारे लिए सर्वोपरि है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पांच पाप हैं, जो शंकर को चारों ओर से लपेटे रहते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बंधे हुए होते हुए भी निर्बंधन होकर के रहता है, उनकी परवाह नहीं करता है। कमर में काम विकार का सांप दिखाया गया, गले में मोह विकार का सांप दिखाया गया, दोनों बाजुओं में क्रोध और लोभ का सांप दिखाया गया, और सर के ऊपर अहंकार का सांप दिखाया गया। ये पांचों प्रकार के सर्प ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। वो सर्प नहीं जो द्वापर युग से इब्राहिम क्राइस्ट मोहम्मद आदि के रूप में आते हैं, बल्कि उनको भी जन्म देने वाले आधार मूर्त और बीज रूपात्मय उनकी बात है, जो बीज रूपात्मय पूरे 84 जन्म लेने वाली है, वो ज्यादा पावरफुल है या द्वापर से आने वाले ज्यादा पावरफुल है? बीज रूप आत्माएं ज्यादा पावरफुल है, वो बीज रूप आत्माएं उनसे लिपट करके रहती है, परंतु उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं होता, संग का रंग नहीं लगता, बल्कि उनको संग का रंग लग जाता है। दोनों का मतलब क्या होगा? पति और पत्नी दोनों मिलकर के पूज्य की पूजा करें, एक अलग रास्ते पर चला जाता है और दूसरा अलग रास्ते पर चला जाता है, तो पूजनीय भी आप बदल जाएंगे। तो पूजा में विचार नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर के एक की मान्यता करें, बड़ी सोच है। नारायण वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है तो उसमें किसी बच्चा जो ब्रह्मा की सोल है वो भी संपूर्ण बनती है? बाप बेटे को आगे किए बगैर खुद आगे नहीं बढ़ सकता, बाप विषय सागर से कहो या विषय बैतरणी से कहो, जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाल लेता है तब तक वो खुद बाहर नहीं आ सकता, नहीं तो वो बाप बाप नहीं है। बोला कि नारायण संपूर्ण बनेगा तो 2017-18 तक नारायण संपूर्ण बन जाएगा? नारायण संपूर्ण बनेगा तो बच्चा भी संपूर्ण बनेगा, और बच्चा जब संपूर्ण बनेगा तो जो स्थूल चंद्रमा है
जिससे वे ब्रह्मा की सोलह ज्ञानता में आती है, तो स्थूल चंद्रमा के कारण भी रात होता है। तो क्या स्थूल चंद्रमा का अस्तित्व तब तक खत्म हो जाएगा? जैसे शंकर अपने को शिव में मिक्स कर देता है, ऐसे ब्रह्मा भी शंकर में मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो जाएगा बाबा, तो क्या चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? चंद्रमा का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा, दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे। रात होना बंद हो जाएगा क्या? अज्ञान की रात बंद हो जाएगी दोनों की, कभी अज्ञान की कोई बात कोई संकल्प नहीं आएगा, अज्ञान का कोई कर्म नहीं होगा। मतलब पूर्णिमा का पूर्णमासी चंद्रमा वापस धरती में आकर मिलेगा जब भी, तो क्या ज्ञान स्कूल घर में जब ये चंद्रमा कृष्ण वाली सोल प्रवेश होगी तब आकर मिलेगा या कोई दूसरा कनेक्शन? बेहद की बात बेहद में लागू होगी और हद की बात बाद में हद में लागू होगी। पहले सूक्ष्म कार्य संपन्न होता है या पहले स्थूल कार्य संपन्न होता है? मकान बनाते हैं तो पहले बुद्धि में खाका खींचता है, फिर थोड़ा स्थूल में आता है, कागज में खाका बनाया जाता है, फिर उसका मॉडल बनाया जाता है और स्थूल रूप धारण कर लिया, फिर बाद में प्रैक्टिकल में मकान बना करके खड़ा किया जाता है। वार्तालाप में बोला है कि लक्ष्मी नारायण का कनेक्शन आपस में होता नहीं तो वाइब्रेशन से जन्म कैसे होगा? फिर तो शारीरिक संयोग से जन्म होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का कनेक्शन आपस में नहीं होता, जैसे और आत्माओं का जन्म होता है तो वाइब्रेशन से सृष्टि कैसे चलेगी? और आत्माओं का क्या, जो 4.5 लाख आत्माएं हैं बीज रूप आत्माएं, उनमें 2.25 लाख लक्ष्मी जैसी और 2.25 लाख नारायण जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा, वो इसमें नहीं आएंगी? लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्मी नारायण जैसी और लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जो है जो आवश्यक से जन्म देती है, तो ये जो यादगार बनाया हुआ है शिव जलाधारी और शिवलिंग का, वो क्या दूसरी आत्मा का यादगार है क्या? जो यादगार बनाया हुआ है शिव का और जलाधारी का, वो जलाधारी प्रकृति की यादगार है, प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है प्रजापिता माने शंकर, और शिव है आत्मा, वो दोनों के मेल से शक्ति का संचालन शुरू होता है। अवतार माने नीचे उतरना, ऊपर से नीचे आना उसे कहा जाता है अवतार। वो तो अवतार हो चुका शिव का, अब उसके साकार स्वरूप का अवतरण होना है, साकार में संसार पहचाने कि आ गया मेरा बाप। और बाप बेट सुंदर जो सृष्टि के आदि मत और अंत का ज्ञान देते हैं, हाँ जी, तो ये आदि में जो प्रजापिता का पाठ था वो आदि और मध्य में ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं वो, और अंत में अभी जो राम बाप द्वारा सुनाते हैं कि प्रजा और विष्णु का कहाँ हो रहा है जो प्रैक्टिकल में कार्य संपन्न करते हैं जो आदि माने संगम युग, मध्य माने सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, और अंत माने फिर संगम,
वैसा नहीं कहा कि आदि में जो आदि है सो अंत है। Oh, thank you.